सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हर नमाज के अंदर पढ़ते हैं, हर रकात के अंदर पढ़ते हैं। ऐ अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता दिखा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, बुज़ुर्गान दीन और मेरी अज़ीज़ माओं और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ख़जानों में से, जो अल्लाह ताला के अर्श के नीचे जो ख़जाने हैं उनमें से एक जो बेहतरीन ख़जाना जो अता फरमाया है वह है सूरह फातिहा। और सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को, हर मोमिन को, ईमान वाले को एक दुआ याद करवाई है। जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हर नमाज के अंदर पढ़ते हैं, हर रकात के अंदर पढ़ते हैं, और उसके अंदर अल्लाह से हम क्या सवाल करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता दिखा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये अल्लाह ताला से हम दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता दिखा, सीधे रास्ते पे चला। नाज़रीन, और किसका, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता कि जिन पर तूने इनाम किया है। देखें, पहले तो हमने सवाल किया अल्लाह ताला से कि अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला, सीधा रास्ता दिखा। और फिर ये सीधा रास्ता जो है किन का रास्ता है, किन लोगों का रास्ता है? फरमाया सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, ये उन लोगों का रास्ता है जिन पर आपने इनाम किया है। अल्लाह जिन जो तेरे मुनइम अलैहिम है, जिनके ऊपर तेरी नेमतें नाजिल हुई हैं, जिनको तूने कहा है कि ये वो लोग हैं जो कामयाब हैं। नाज़रीन, इंसान उसी रास्ते पे सफ़र करना चाहता है, उसी रूट पर सफ़र करना चाहता है, उसी शाहरा पर चलना चाहता है जिस पर चलकर वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। और बहुत सारे लोग उस रास्ते पर चल के अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचे हों। तो आप भी बिल्कुल अंधा एतमाद करके उस शाहरा पर, उस मोटरवे पर, उस रास्ते पर आप अपने आप को डाल देते हैं। आपका ये यकीन होता है कि ये रास्ता हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। अब आप देखें, आपने मैंने पाकिस्तान जाना है, हम फौरन जो है टिकट खरीदते हैं, पीआई का खरीदा, हमें पता है कि भाई पीआई में हमने बैठना है, ये हमें जो है पाकिस्तान पहुंचा के ही छोड़ेगी। ये यानी हम कोई, हमें टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं कि ये जहाज़ सही रास्ते पे जा रहा है नहीं जा रहा, हमें पूरा यकीन होता है कि ये जहाज़ हमें कहाँ पहुँचाएगा, पाकिस्तान पहुँचाएगा, कराची पहुँचाएगा, लाहौर पहुँचाएगा, इस्लामाबाद पहुँचाएगा। इसी तरह से आप टिकट ख़रीदते हैं ट्रेन का, यूरोस्टार का, जी आपने पेरिस जाना है, आपने बेल्जियम जाना है, आप बैठ जाते हैं और वो आपको पेरिस के स्टेशन पे उतार देती है, ब्रसल्स में उतार देती है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठे होते हैं। इसी तरीके से जब आप अपनी गाड़ी पे बैठते हैं और उस मोटरवे पे आप डाल देते हैं, M25 पे डाल दिया, M1 पे डाल दिया, A40 पे डाल दिया, आपको पता है जी ये मुझे फ़ौरन जो मेरी मंजिल मकसूद तक, वहाँ तक ये पहुँचाएगा। तो रास्ते का जो तायुन होता है वो, उसको आपसे पहले बहुत सारे लोग जो है एक्सप्लोर कर चुके होते हैं, उस पर चलकर, उस पर उड़कर, उस पर तैरकर जो है वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच चुके होते हैं। तो लिहाजा आप भी एतमाद करते हुए उस रास्ते के ऊपर, उन लोगों पर एतमाद करते हुए आप अपने उस रास्ते पर चढ़ जाते हैं। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हें कामयाबी तुम चाहते हो तो मुझ तक पहुंचना है ना। असल में ये सारा जो सफ़र है नाज़रीन, ये सारी जो मेहनत है, ये सारी तकोदो है, ये सारी जस्तजू, सारी कोशिश है, वो क्या है? वो ये है कि हम अल्लाह तक पहुंच जाएं। हमारा जो मकसूद है, हमारा जो मतलूब है, हमारी जो मंजिल है, वो अल्लाह की ज़ात है। हम अल्लाह तक पहुँच जाएँ। अब अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता कौन सा है? तो हम अल्लाह से खुद ही सवाल करते हैं कि अल्लाह तेरे तक हमने पहुँचना है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तू हमें जो है वो हिदायत कर दे, रहनुमाई कर दे सीधे रास्ते की, जो बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता हो। ये हदा याहदी नाज़रीन, हिदायत कहते हैं, हदा याहदी हिदायत, इसका माना मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसके दो मतलब हैं। हदा का मतलब होता है इरातु तरीक, रास्ता दिखाना, और एक होता है इसाल इल मतलूब,
मतलूब तक पहुंचाना, मंजिल मकसूद तक पहुंचाना। अब देखें, ये भी आपकी खुशकिस्मती है कि आपको गाइड करने वाला सही मिले, आपको रास्ता दिखाने वाला सही मिले। अगर गलत मिल गया, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं और मेरे से मेरा बड़ा भाई हमाद जो है, हम दोनों क्वेटा गए। बहुत पढ़ाई के ज़माने की बात है, जब हम छोटे थे तो क्वेटा के अंदर जो है वो वैन ख़राब हो गई और उससे हम उतरे। तो उतरने के बाद हमने किसी से पूछा, जी हमने वहाँ जाना है। तो उसने कहा, अच्छा ये बिल्कुल नेड़े ही है, बिल्कुल करीब है, ये पहाड़ है ना इसके साथ ही है। अच्छा, पहाड़ दूर से आपको करीब नज़र आता है। और उसने हमें यानी बिल्कुल जो अपोजिट डायरेक्शन है जहाँ हमने जाना था उससे अलग डायरेक्शन पर चला दिया। हम चलते 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 भाई ख़त्म ही नहीं हो रहा, पहाड़ ही नहीं आके दे रहा। और बड़ी मुश्किलों से एक जगह पहुँचे, हमने पूछा भाई हमने वहाँ जाना है। उसने कहा, आपको यहाँ किसने भेज दिया, ये रास्ता थोड़ी है, रास्ता तो वो है, उस तरफ जाना है। अब मुझे बताएं कि अब जो थकावट शुरू हुई, बेजारी शुरू हुई, गुस्सा आना शुरू हुआ, क्यों? कि इतना सफ़र तय किया वो सारा ज़ाया हो गया। वो क्यों ज़ाया हो गया? कि जो गाइड था, जो हादी था, जिससे हमने रहनुमाई ली थी, उसको भी खुद नहीं पता था। वो साफ कह देता कि भाई मुझे नहीं पता रास्ते का, मैं आपको कैसे गाइड करूं। लेकिन ये तो हम अपनी तौहीन समझते हैं ना कि ये कैसे, जी गलत बता रहे हैं भाई, आप बोले नहीं पता मुझे, आप किसी और से पूछ लो। तो लिहाजा हादी का, गाइड का, रहनुमा का, रास्ता मुतायिन करने वाले को खुद नहीं पता उसने क्या किया, आपको परेशान कर दिया, नुकसान पहुँचा दिया आपके वक्त का, और हो सकता है कि इससे कितना नुकसान पहुँचता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जब तुम कहते हो कि अल्लाह तू मुझे सीधे रास्ते पे चला, तो अब सीधा रास्ता क्या है? एक तो ये है कि हम कहते हैं कि अल्लाह ईसा, इसका मतलब एक तो इरात तरीके, अल्लाह तू हमें रास्ता सीधा दिखा भी दे, पहले तो हमें पता हो कि भाई रास्ता कौन सा है। फिर भी चांसेस होते हैं ना कि आदमी इधर उधर हो जाएगा, घूम जाएगा, कहीं किसी गलत रास्ते पर चल पड़ सकता है। तो लिहाजा जब हम दुआ करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो हमारा मतलब क्या होता है? अल्लाह ईसाल इलल मतलूब, के तू हमारा हाथ पकड़ और हमें मतलूब तक पहुंचा दे। क्योंकि अल्लाह ताला ने हादी जो हमें दिया है, हमारी रहनुमाई करने वाला जो 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 शख्सियत को हमारा रहनुमा बनाया, वो तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने तो रास्ता दिखा दिया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम इधर उधर हो जाएं, या अल्लाह तो हमारे हाथ पकड़ और पकड़ने के बाद हमें हमारी मंजिल मकसूद तक पहुँचा दे। तो हम भी अल्लाह ताला से क्या कहते हैं, अल्लाह तो हमें सिरात मुस्तकीम पर चला, इहदिनस सिरात मुस्तकीम। इसका मतलब क्या है कि लोग सवाल पूछते हैं, क्या हम सिरात मुस्तकीम पर नहीं हैं जो हम अल्लाह ताला से सवाल कर रहे हैं? बिल्कुल हम हैं सिरात मुस्तकीम पर। इहदिनस सिरात मुस्तकीम का मतलब है कि अल्लाह तू हमें, तूने जब सीधा रास्ता दिखा दिया है, तो अब मंजिल मकसूद तक भी तू ही पहुँचाई हो। तेरी मदद और तेरी नुसरत का होना ज़रूरी है। अगर तेरी मदद और तेरी नुसरत नहीं हुई, तेरा फजल ना हुआ, तो हम मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँच पाएंगे।